नवरात्रों की शुभकामनाएं। ये चेतर नवरात्रे जो आज से शुरू हो रहे हैं कटरा में, पहला दो साल तो कोविड रहा, ये जो दुर्गा पूजा नहीं हो सकी, इस साल फिर दुर्गा पूजा, जो कोविड ठीक हो गया दुर्गा पूजा ठीक होगी। हम सब म्युनिसिपैलिटी कटरा की तरफ से यात्रियों का और कटरा वासियों का शुभ नवरात्रों में शुभ धन्यवाद करते हैं, नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। ये नवरात्रे में पूरा कटरा वालों के लिए अच्छे रहें। हमारे लिए ले लो झोला ले लो, एक 1100-1100 रुपये का पूरा ड्रेस है। दो साल तक समझो तो कोविड-19 की वजह से यात्रा तो नहीं थी, बंद ही थी, 6 महीने तो बिल्कुल ही बंद ही रही। अब तो खुशी की है, थोड़ा यात्रा आ रही है इधर कटरा में, तो बड़ी खुशी है यात्रा आ रही है, अभी ठीक आ रही है। तो पहले तो काम का थोड़ा बड़ा डाउन था, पहले तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, अभी थोड़ा ठीक है, यात्रा थोड़ी आ रही है। तो अभी थोड़ी आज नवरात्रा भी है, पहला यात्रा थोड़ी चल पड़ी है, यात्रा आ रही है। तो क्या उम्मीद जताते हैं कि इस बार नवरात्रा में काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा, अगर दोबारा कुछ ऐसा कोविड-19 वगैरह अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो उम्मीद है कि। आप देख रहे हैं रफ्तार समाचार और मैं हूं चेतन नवरात्रे आए, चेतन नवरात्रे के चलते आज रफ्तार समाचार की जो टीम है वो कटरा महादेव नगरी में आई हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीर इस समय कटरा धर्म नगरी के मुख्य द्वार पर हम जहाँ पर खड़े हैं, और आपको बता दें कि आज कोविड के 2 साल के बाद जहाँ पर आज एक चहल पहल देखने को मिल रही है, और सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये मुख्य द्वार है और जहाँ से जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं, और देख सकते हैं श्रद्धालु में कितना उत्साह है। ये श्रद्धालु जय माता की जय घोषणा की जा रही है, जय घोष लगाई जा रहा है। आप दिखा दें जहाँ से ये पहला मुख्य द्वार है और जहाँ से लोग जो टिकते लेकर मुख्य द्वार की ओर ऊपर जा रहे हैं इस समय, और इस समय जो रफ्तार समाचार की टीम जो है कटरा धर्म नगरी में मुख्य द्वार पर जहाँ पर खड़ी है, जहाँ पर जो है सोशल वर्कर एक समाज कार्यकर्ता भी संदीप मेहरा जी जहाँ पर है, और उनसे भी हम जानेंगे कि आज नवरात्र पहला नवरात्र, उस पहले नवरात्र में कटरा में जो है काफी श्रद्धालुओं की चहल पहल नजर आ रही है। जी सर, पहला रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद विनय जी। कोविड के 2 साल के बाद आज कटरा में भी एक चहल पहल देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे, आपका संदेश रहेगा आपका यहाँ से? आपके सारे दर्शक देखने वालों को सबसे पहले मैं नवरात्रा की शुभकामना दूंगा कि माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से दोबारा से यहाँ पर वो चहल पहल, वो रौनक जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आती मिलती थी, वो रौनक जो है आज फिर दोबारा लौट चुकी है। कि हमारे व्यापारी जो है, हमारा व्यापारी वर्ग जो कटरा में छोटे से लेके बड़ा दुकानदार, आज उसके चेहरे पे जो है मुस्कान है। क्यों? कि पिछले कोविड 2 सालों से बहुत नुकसान इन लोगों का हुआ है, आज माँ की आशीर्वाद से यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड LG गवर्नर साहब का, कि उन्होंने फिर से इसकी व्यवस्था जो है अच्छे तरह से पूरे श्राइन बोर्ड अपना बाणगंगा से लेके भवन तक पूरी व्यवस्था अच्छे से करवाई, और दोबारा से यात्री जो हैं यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रही है। माँ के भक्त जो हैं पूरे जोश में फिर यहाँ पर पहुँच रहे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो स्वर्ग जैसे सजाया गया माँ का दरबार है, जहाँ पे विदेशों से फूलों को मंगवाया गया, और वहाँ पर माँ के रास्ते पे हर जगह जो है वहाँ पर उनको सजा कर उनको बढ़िया से जो अनुभव लोगों को मिलता है स्वर्ग जैसा, वो माँ का दरबार वैसा स्वर्ग बनाकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, खासकर LG साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दोबारा से जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई, CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, SSP रियासी, DC एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारी, कि दोबारा से यहाँ वो चहल पहल आना शुरू हो गई, वैसे ही श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, और हर एक श्रद्धालु से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, और हमारे रेस्टोरेंट हैं, हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउस वाले हैं, वो सारे आपका दिल खोल के और आदर सम्मान आपका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। आप परिवार के साथ आइए, बिल्कुल निश्चिंत होके, किसी डर के मन में ना लाएं, सिर्फ माँ की श्रद्धा और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर। धन्यवाद जी। चैत्र नवरात्र है, और चैत्र नवरात्र में आप देख सकते हैं कि कटरा धर्म नगरी में जो है काफी रौनक है, और ये रौनक जो है दुर्गा जी की पूजा की गई, उसके साथ ही जो नवरात्र का कार्यक्रम जो शुरू हुआ उसके बाद जो है ऑटो चालकों से भी हमने जाना, और ऑटो चालकों ने भी काफी खुशी जताई और कहा
कि इस बार जो है अच्छा सीजन रहेगा, उनका भी उनका कारोबार भी अच्छा रहेगा। उसके साथ जो होटल व्यवसायी हैं, ड्राई फ्रूट व्यवसायी हैं और कुछ दुकानदारों ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि जो उम्मीद इस बार जताई गई वो अच्छी उम्मीद रहेगी और काफ़ी कारोबार भी रहेगा। और टैक्सी जो ऑपरेटर हैं जहाँ के लोकल स्थानीय ऑपरेटर हैं, उन्होंने भी जहाँ पे खुशी जताई है। और इसके साथ ही जब हमने संदीप मेहरा जी से जहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता एक अच्छे कार्यों को हर समय वह जुटे रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि जहाँ पर जो आज प्रशासन की ओर से जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, हर सुविधा बहुत प्यार से की गई और अच्छे तरीके से की गई है। श्राइन बोर्ड की ओर से बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, सबके सब टीमें जो मौजूद है और श्रद्धालुओं को जो बड़े अच्छे तरीके से जहाँ से जो आगे की ओर रवाना किया जाए, दरबार की ओर रवाना किया जाए और दरबार में भी बहुत अच्छे प्रबंध किए जा रहे हैं। जी इसी के साथ आप मुझे देंगे अगर आप देखते हैं रफ्तार समाचार।